स्वागत है फ्रेंड आप सभी का जी स्टडी में। और डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी चल रहा है, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मैथ से कुछ क्वेश्चन रिलीज करने जा रहा हूँ। रिलीज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछ रखा है रेलगाड़ी की चाल क्या है, जो कि ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड क्वेश्चन में पूछ रखा रेलगाड़ी की चाल, तो फ्रेंड जो कि रेलगाड़ी की चाल सेम आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके निकल जाएगा, जो कि ऊपर जो कि 300 लिखा है, मैंने यहाँ पे 300 उतार दिया, प्लस कर दिया और वहीं से 900 भी उतार दिया, फिर कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पे बट्टा कर दिया, जो कि वहाँ पे पूछ रखा 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और प्लस 12 कर दिया तो 72 लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल आंसर जो कि आपका 1200 आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर देना, उसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 60/3 मीटर/सेकंड। तो आपका आंसर जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एक त्रिभुज की भुजा क्रमश 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा का 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड मैंने एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड दी गई भुजाओं से ज्ञात होता है कि त्रिभुज एक संपूर्ण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और विकर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल 1/2 × 4 × 3 = 6 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, 125/216 का घनमूल क्या है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन दे रखे हो और 125 का घनमूल, तो आइए फ्रेंड एक्सप्लेन करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड पूछ रखा 125 और 216, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है, कोष्टक 125 216 कोष्टक बंद 1/3 जो कि घनमूल है, बराबर कोष्टक 5 × 5 × 5 / 6 × 6 × 6 कोष्टक बंद 1/3। तो फ्रेंड जो कि मैंने ये घनमूल कर रखा है, जो कि 1/3 होता है घनमूल, वो कि मैंने पीछे का दो अंक ले रखे 5 और 6, और इनको मैंने गुना किया और फिर यहाँ पे 3 का घन दे दिया, तो आ गया आंसर 5/6, जो कि आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, प्लेटो 429 BC में पैदा हुआ और 348 BC में उसकी मृत्यु हो गई, वे कितने वर्ष जीवित रहे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा कि प्लेटो कितने वर्ष जीवित रहा। तो फ्रेंड सिंपल सा इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्लेटो यहाँ पे था 429 वर्ष में उसकी जन्म हुआ और मृत्यु हो गया 448 में, तो आपको सिंपल सा इसको माइनस कर देना है 9 और 8, तो माइनस किया आपने तो 1 आ गया। उसी प्रकार से आपने 42 को और 34 को माइनस किया, आ गया 8। तो सिंपल सा फ्रेंड यहाँ पे जो कि आ जाएगा आपका आंसर 81 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, दो पूर्णांकों में से एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से 2 गुना है, यदि उनमें 19 का अंतर हो तो उनका योग क्या होगा। तो फ्रेंड ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड माना कि संख्या एक्स है वो 2x है, तब फ्रेंड जो कि वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे 2x - x, जो कि वहाँ पे दे रखी थी संख्या 19 का अंतर होगा, तो मैंने 19 लिख लिया। तो फ्रेंड उसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे x = 19 और फिर बराबर कर दिया 2x + x = 3x, जो कि यहाँ पे हो गया x और 2x 3x हो गए, तो बराबर कर दिया फिर 3 × 19, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो कि 57। इसलिए फ्रेंड ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है,
तो फ्रेंड ये थे मेरे DRDO MTS के मैथ से आने वाले क्वेश्चन। आशा करता हूँ फ्रेंड आपसे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।